ये पोस्ट हैं पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल पंजाबी आर्टिस्ट की जो अपना सपोर्ट किसानों को दे रहे हैं। कुछ ने बस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कुछ ने फुल फ्लेज्ड म्यूजिक वीडियोस निकाले हैं। मोदी गवर्नमेंट के फार्म बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ने इतना प्रेशर डाल दिया पॉलिटिकल पार्टीज में कि हरसिमरत कौर बादल, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर थी बीजेपी के साथ अलायंस में, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और कल बीजेपी की सबसे पुरानी अलाय में से एक अकाली दल ने एनडीए को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। कुछ लोगों ने इन रिफॉर्म्स को हिस्टोरिक बुलाया है, जबकि कुछ ने इनको डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के फेलियर से कंपेयर किया है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा और पंजाब जैसे कई राज्यों में किसान इन बिल्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इस वीडियो में हम डेटा और एविडेंस को जांच कर तीन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या इन बिल्स से फार्मर्स का लाभ होगा या नहीं, और तीसरा इन बिल्स का हमारी पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं ग्रेन्स, जैसे मान लीजिए राइस और वीट, गेहूं और चावल, और दूसरी होती है पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हमारे देश में जो ग्रेन्स हैं जैसे चावल और गेहूं, वो मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रो होते हैं, और वो इन राज्यों में APMC रेगुलेशन के अंदर आते हैं। इन रेगुलेशन के हिसाब से जो भी किसान है उनको ये सारे ग्रेन्स APMC मार्केट्स में बेचनी होती है। इन मार्केट्स में किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, और इस MSP के तहत किसानों को कम से कम ये प्राइस मिलेगा अपनी उपज के लिए। जो भी राज्य ऐसी APMC एक्ट से कवर्ड है, उधर किसानों को अपनी उपज बस इन्हीं मार्केट्स में बेचनी होगी, वो किसी और को नहीं बेच सकते। तो समरी के लिए जो APMC रेगुलेशंस हैं वो बस कुछ राज्यों में है जैसे पंजाब और हरियाणा, और इन राज्यों में भी बस कुछ फसलों के लिए ही है जैसे गेहूं और चावल। जो नए फार्म बिल्स आए वो इस APMC के मोनोपोली को तोड़ रहे हैं, यानी कि अगर एक किसान है पंजाब में जो गेहूं उगाता है, अब उनके लिए जरूरी नहीं है APMC मार्केट्स में जाना, अब वो किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अपनी उपज बेच सकते हैं। और इन अरेंजमेंट्स को इनकरेज करने के लिए उनके ट्रांजैक्शंस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर आप मोटा मोटी सोचोगे, इन फार्म बिल्स का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि अब फार्मर्स किसी को भी बेच सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि इन रिफॉर्म से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर में। इसके अलावा अब स्टेट बैरियर्स भी नहीं है। ये नहीं है कि एक उत्तर प्रदेश के किसान को बस अपने राज्यों में ही बेचना होगा, अब वो किसी भी राज्य में अपनी उपज बेच सकते हैं। तो अगर ये सब पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो किसान इसके खिलाफ क्यों उतरे हैं सड़कों पर, ये समझने के लिए हमें किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। एक कारण जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है कि उनका प्राइवेट सेक्टर पर इतना भरोसा नहीं है, और उनके पास रीजंस भी हैं इस चीज के लिए। लास्ट 10-20 सालों में जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स की मार्केट है जैसे सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, उधर प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन की लार्ज स्केल एंट्री देखी गई है। पर इस चीज की वजह से जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स के दाम है वो घटे नहीं है बल्कि और बढ़े हैं। किसानों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स बेनिफिट्स देगी नॉन APMC ट्रांजैक्शंस को, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो APMC मार्केट्स के बाहर होते हैं, तो उससे लार्ज स्केल जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इस मार्केट में आ जाएगी। और जिस तरह APMC मार्केट्स में कमीशन एजेंट्स एक साथ मिलकर प्राइस फिक्सिंग करते थे, उसी तरह ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी प्राइस फिक्सिंग करेगी। इसका मतलब है कि एक मोनोपोली दूसरी मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी, पर किसानों का इससे फायदा नहीं होगा। कुछ किसानों का ये भी मानना है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर होगी प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन के साथ वो बहुत कम हो जाएगी। ऐसे कन्हैयन सुब्रमण्यम जो एक किसान है कर्नाटका से, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लड़ झगड़ कर लोकल ट्रेडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, पर कॉर्पोरेट लोग तो अपने फोन भी नहीं उठाते। किसानों का ये भी मानना है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं होंगे, इसलिए सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किसानों पर क्या बीत रही है, क्या वो ठगे जा रहे हैं या नहीं ठगे जा रहे हैं। जैसे रंजीत सिंह राजू जो राजस्थान के किसान हैं, वो कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं होगा कि किन दामों पर प्राइवेट सेक्टर उनकी उपज खरीद रहा है। वहीं ये जो आइडिया है कि एक यूपी का किसान बस यूपी तक सीमित नहीं है, वो पेपर पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली कई एक्सपर्ट्स डिसएग्री करते हैं। जैसे कविता कुरुगंती जो एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, वो कहती है कि इंडिया के जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी उपज दूसरे राज्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में बेच सकते हैं। और ये नहीं कि किसान बस प्राइवेट सेक्टर पर ही भरोसा नहीं करते, वो सरकार पर भी भरोसा नहीं करते। फैक्ट ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, उसने हर बार प्रायोरिटाइजेशन कंज्यूमर्स को दी है, ना कि फार्मर्स को। इसका एक उदाहरण है इन्फ्लेशन पॉलिसी,
सारी ही सरकार, चाहे वो यूपीए हो या फिर एनडीए हो, वो बहुत सेंसिटिव रही हैं कि मिडिल क्लास कैसे रिएक्ट करेगी अगर प्याज या फिर टमाटर के दाम बहुत इंक्रीज कर जाएंगे। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी डिसीजंस यूज़ करती है इन दामों को कंट्रोल लाने में, जिसका भुगतान किसानों को करना पड़ता है। जैसे अगर दाम बढ़ रहे होते हैं तो हमारी सरकार दो चीज़ करती है। पहला है कि वो एक्सपोर्ट्स बैन कर देती है। जैसे रिसेंटली हमारी सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट्स बैन करे। एक स्टडी के हिसाब से हमारी सरकार ने 2014-2019 के बीच 17 बार प्याज के एक्सपोर्ट रूल्स बदले हैं। और दूसरा है कि वो फॉरेन एग्रीकल्चरल गुड्स की इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर सकती हैं। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने मूंग दाल की इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इसलिए किसान हमारी सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको मिक्स मैसेजेस मिलते रहते हैं। जैसे दीपक नागर जो नासिक से हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई महीनों उन्होंने प्याज एक लॉस पर बेचा, और जब दाम बढ़ रहे थे सरकार ने एक्सपोर्ट्स ही बैन कर दिए। और इस सरकार के हर रिफॉर्म में एक ही प्रॉब्लम है कि सारे ही रिफॉर्म बहुत ही हिस्टोरिक होते हैं, एकदम गेम चेंजिंग होते हैं। इससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो इम्प्रूव कर जाती है, पर जो ऑपोजिशन होता है, चाहे वो किसानों से हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो भी उतना ही स्ट्रेंथन हो जाता है। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि उनका रिफॉर्म हिस्टोरिक है और जो भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसान नहीं बल्कि एक कांग्रेस का वर्कर है, तो फिर नेगोशिएशन की चांस बहुत कम हो जाती है। बस 36% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस APMC की मंडी से बेचा जाता है। इसके अलावा 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और डायरेक्ट सेल 22 स्टेट्स में अलाउड थी। मार्केट 17 स्टेट्स में पहले से ही डीरेगुलेटेड हैं और 21 स्टेट्स में प्राइवेट मार्केट्स को बेचना भी अलाउड है। तो अगर इतने सारे राज्यों में APMC की मोनोपोली है ही नहीं, तो इन रिफॉर्म्स को हिस्टोरिक क्यों बुलाया जा रहा है? जैसे कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बोला है कि कोई शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स नहीं है बल्कि बहुत लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है, और कई चैलेंजेस फेस करने होंगे इन रिफॉर्म्स को अपने रिजल्ट दिखाने के लिए, और सरकार को ये कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि APMC की मोनोपोली तोड़कर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, अपनी मंडियां सेटअप करनी होंगी। और हमारे पास एविडेंस है कि APMC मोनोपोली को तोड़कर ये कोई गारंटी नहीं है कि किसानों की जिंदगी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। जैसे 2006 में बिहार में APMC एक्ट को हटा दिया गया था, पर 2019 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि इस एक्ट को हटाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के और सरकार की कम मदद से किसान बस ट्रेडर्स के हाथ भुगत रहे थे। अब हमें इन रिफॉर्म्स के पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर नजर डालनी चाहिए। अब कोई भी मेजर रिफॉर्म जो होता है, उधर विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं, और पॉलिटिक्स किस दिशा चेंज करेगी वो डिपेंड करता है कि विनर्स और लूजर्स का कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इन रिफॉर्म्स की वजह से जो APMC की पावर है वो कम हो जाती है, और इसके साथ ही साथ जो कमीशन एजेंट्स हैं जिनका पैसा बनता है इन APMC मार्केट से, उनकी पावर भी कम हो जाती है। करीब 1/3 कमीशन एजेंट्स जाट सिख होते हैं, जिनका मेजर इन्फ्लुएंस है पंजाब की पॉलिटिक्स में। CSDS और लोक नीति नेशनल इलेक्शन स्टडी के हिसाब से 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में अकाली दल और BJP अलायंस की 25% की लीड थी कांग्रेस से जाट सिख्स में, पर 2019 में कांग्रेस 4% आगे थी। और अकाली दल का रीसेंट डिसीजन NDA गवर्नमेंट से अपने रिश्ते तोड़ना इसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील कर रहा है। इन फार्मर बिल से बस कमीशन एजेंट्स का नुकसान ही नहीं होगा बल्कि पंजाब की सरकार का भी नुकसान होगा। APMC मार्केट्स के तहत पंजाब सरकार मंडी टैक्सेस कलेक्ट करती है, और इन APMC मार्केट्स की पावर हटाकर ये टैक्सेस भी कम हो जाएंगे पंजाब की सरकार के लिए। जैसे 2020 के फाइनेंशियल ईयर में पंजाब सरकार ने करीब 1750 करोड़ के मंडी टैक्सेस कलेक्ट करे थे। और कई लोगों का ये कहना है कि जब ऐसे रिफॉर्म से कई स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा का इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट क्यों नहीं किया, और अगर किया भी तो कॉम्पनसेट करने की उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेंटर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये फार्मर बिल्स का इशू बस एक इंडिपेंडेंट इशू नहीं है बल्कि कई लोग इसको एक ब्रॉडर सब्जेक्ट के अंडर देख रहे हैं, और वो सब्जेक्ट है हमारा फेडरल नेचर। और कई लोगों का मानना है कि जैसे ही PM मोदी की पॉपुलैरिटी और पावर कंसोलिडेट हो रही है, ये फेडरल नेचर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो GST कॉम्पनसेशन की बात हो या फिर नेशनल एजेंसी जैसे CBI का यूज की बात हो। तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो किसान है उनको ज़्यादा दाम मिले अपने प्रोड्यूस के लिए। अब इस चीज़ को इंश्योर करना इन नए रिफॉर्म से, गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि किसानों को दाम क्या मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, पर अभी कोई रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए सिराज हुसैन जो फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे,
वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को मैंडेटरी करना चाहिए कि प्राइवेट वेयर हाउसेज अपने आप को रजिस्टर करें और इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स इशू करें, जिससे सरकार को पता रहे कि क्या दाम में फसल बेची जा रही है और किसानों पर क्या बीत रही है। दूसरा कि सरकार को किसानों को हेल्प देनी होगी ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकें प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट। बिहार पर जो स्टडी हुई थी उसमें ये बताया गया था कि किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। सरकार की फाइनेंशियल सपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी सरकार एक क्लियर एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी रहे। इन रिफॉर्म से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा अगर हमारी सरकार कभी भी बैन कर सकती है एक्सपोर्ट्स और कभी भी इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर सकती है। उससे प्राइसेस कम ही रहेंगे क्योंकि कंज्यूमर को प्रायोरिटी दी जा रही है। कई सालों से जो इनपुट कॉस्ट हैं सब्जियों को उगाने की, वो इंक्रीज कर रही है, पर जब भी दाम बढ़ते हैं गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स बैन कर देती है और जब गिरते हैं तो सरकार कुछ नहीं करती है, यानी कि किसानों को खुद ही निपटना पड़ता है इन सिचुएशन से। इसी वजह से एक RBI स्टडी ने बताया कि कैसे करीब 50% किसानों के हिसाब से MSP सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एग्रीकल्चरल स्कीम है। इसलिए कई किसानों का मानना है कि उनको कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए बल्कि और गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए किसानों को एक राइट्स बेस्ड लॉ चाहिए होगा, एक ऐसा लॉ जो किसानों को गारंटी करेगा एक मिनिमम प्राइस, चाहे वो APMC मार्केट्स में बेचे या फिर एक प्राइवेट मार्केट में बेचे। और इन सारे इश्यूज की एक जड़ है लैक ऑफ कंसल्टेशन। जब आप कंसल्ट नहीं करते हैं और आपकी सरकार पर इतना प्रेशर है कि हर रिफॉर्म हिस्टोरिक है, तो फिर नेगोशिएशन करने की गुंजाइश नहीं बचती। और जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक किसानों का भरोसा हमारी सरकार पर नहीं होगा और हमारे किसान भुगतते रहेंगे।